बैलेंस है। ये एन टू क्या है जी बेटा? ये गैस। एच टू क्या है? ये भी गैस। और अमोनिया क्या है? ये भी गैस। अगर मैं बोलूं आपसे कि आप बताइए बेटा इसका डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी बताना है आपको इसका। मैंने क्या बोला डेल्टा एनजी क्या है? दिस इज चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स विच आर इन गैसियस फेज। ये बात ध्यान रख, डेल्टा एनजी, एन इज डेल्टा, डेल्टा का मतलब चेंज है, चेंज का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ यहां फाइनल कौन है? प्रोडक्ट है क्या? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट लिखो तो आपको कोई कष्ट। लेकिन बेटा ध्यान रखेंगे आप, ये दोनों के दोनों फेज जो लेने वाले हैं आप, वो किस फेज में लेने वाले हैं? गैस फेज। सॉलिड या लिक्विड हो तो उसको आप इग्नोर करोगे। क्लियर? तो देखो इसमें कितना आने वाला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट यहां क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं इसके प्रोडक्ट के? टू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट में क्या लिख सकता हूं? टू माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितना? ये थ्री और यहां वन है, तो टोटल मिला के फोर। तो टू माइनस फोर टोटल कितना हो गया बेटा? लो माइनस टू। ये डेल्टा एनजी यहां पर वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस टू। एक और एग्जाम्पल देखिए डेल्टा एनजी निकालने का, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं इस पे बेस्ड आपको। डरा क्यों रहा? क्या किया तुमने? अब ये डराता रहेगा पूरी क्लास। बेटा ऐसी कुछ इच्छा हो तो बता देना, मैं फिर से तुम्हें पीछे भेज दूंगा, डराया मत करो। तो ये एग्जांपल समझ में आया? एक और देखो बेटा, आपने थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सुना है, लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें, CaCO3 को हीट करें तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बने। ये CaCO3 सॉलिड है जी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी है सॉलिड, और CO2 कितना है? गैस। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां पर डेल्टा एनजी बताओ, वन कैसे? ये वन और ये वन, टू और टू माइनस वन वन, कंसीडर ही नहीं करना। यस, सॉलिड लेना ही नहीं है, मतलब ये वाली जो बात आप देख रहे हैं यहां पर, इसको सॉलिड है इसको कंसीडर नहीं करना, ये सॉलिड है कंसीडर नहीं करना, सिर्फ हमें CO2 को कंसीडर करना है। तो CO2 के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहां? वन। प्रोडक्ट वन है और रिएक्टेंट जीरो है, तो वैल्यू क्या आ गई यहां पर? कुछ समझ में आ रही है ना बात बेटा लोग? तो डेल्टा एनजी की कैलकुलेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, एक पहले एग्जांपल लिख लो फिर एक क्वेश्चन लिखना। लिखिए, अ रिएक्शन इज प्रोसीडेड एट 700 केल्विन। अ रिएक्शन इज प्रोसीडेड एट 700 केल्विन। अ रिएक्शन इज प्रोसीडेड एट 700 केल्विन। Find its delta H minus delta E if reaction is N2 plus 3H2, 2NH3, all are gases. यही नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिला के अमोनिया बनाना है, इसका डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकालना है बेटा। डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई में आपको क्या दिख रहा है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा लो? डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई की अगर मैं पूछूं कि इसकी यूनिट क्या होगी, क्या होगी बताओ? एनर्जी का डिफरेंस है। डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी चेंज। और डेल्टा ई क्या है? इंटरनल एनर्जी को हम यू से भी और ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको। डेल्टा ई क्या है यहां पर? इंटरनल एनर्जी का चेंज। और डेल्टा एच क्या है? एंथैल्पी का चेंज। तो एंथैल्पी तो एक दूसरा नाम है एनर्जी का ही ना,
तो एनर्जी का चेंज माइनस एनर्जी का चेंज दैट इज एनर्जी, तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल माइनस जूल इज इक्वल टू जूल। नहीं समझे? अब जूल माइनस जूल जीरो मत कर देना, 10 जूल में से 5 जूल माइनस करोगे तो 5 जूल आएगा आंसर। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो जूल माइनस जूल इज जूल, तो ये जूल आएगा, तो यूनिट आएगी इसकी जूल। कैलोरी भी लिख सकते हो, नहीं तो बताओ जरा, सोचो करो देखो। तो इसको पर्ची पकड़ा रहे तू, कोरोना की मेडिसिन लिख रहा है। बता ना बेटे, जल्दी बता फॉर्मूला, तुझे तुझे पता है इक्वेशन, तुझे पता है, जल्दी बता। एक लाइन में तो आंसर होना है इसका, क्या आया? आपने 8.314 लिया, आप क्या 2 ले सकते हो? कैलरी में आ जाती है ना वैल्यू, जूल में बदल लेंगे। मैं थोड़ा, आपने जो किया मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, दैट इज राइट, लेकिन क्या आप R की वैल्यू 2 लेके करोगे तो थोड़ा आसान नहीं हो जाएगा बेटा? अच्छा टेम्परेचर दे रखा है ना ये 700 केल्विन पे, तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस में डेल्टा एन जी आर टी। बोल बेटे लोग। तो इस E को मैं इधर भेजूंगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा E, यही तो निकालना है मुझे। अरे ये वाली वैल्यू चाहिए तो सीधे सीधे नहीं हो जाएगा डेल्टा एन जी आर टी? डेल्टा एन जी इक्वेशन से बताओ, आर पता है, टी पता है, वैल्यू पुट करके सिर्फ कैलकुलेशन होता है, इतना नहीं कर सकते हो आप लोग? देखो चेक करो, चेक करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो गई? यही तो इक्वेशन, कितना आ गया डेल्टा एन जी का वैल्यू? माइनस 2। मैं बार बार आपको रिकमेंड क्या करता हूं, सुनो बेटा लोग, रुको थोड़ी देर रुको, मैं बार बार आपको रिकमेंड करता हूं कि आर की वैल्यू को 2 लेके चलो। जब एनर्जी निकालनी हो तो R की वैल्यू 2 ही लेके चलनी चाहिए, आसान हो जाएगा काम आपका। आप R की वैल्यू 8.314 भी ले सकते हो, तो एनर्जी किस में आ जाएगी? जूल में। मैं बोलता हूं कि आप 2 लेके चलो, थोड़ा काम आसान करो। यहां पर टेम्परेचर कितना है? 700 केल्विन, तो कितना हो जाएगा ये बेटे? माइनस में 2800। क्या हो जाएगा ये कैलरी? अब इस कैलरी को अगर जूल में बदलना हो तो मैं क्या करूं? 4.2 से मल्टीप्लाई करूं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां 8.314 रखते बात वही आती, सीधे जूल में निकलता। अब कैलरी निकल गया तो क्या तुम इसको जूल में नहीं बदल सकते हो? ये कहां हो बच्चा लोग, समझ रहे हो बात को नहीं समझ रहे हो? क्लियर हो रही है बातें? तो कैलरी इसको जूल में कैसे बदलोगे? 4.18 होता है, 4.2 ले लो, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना जूल हो जाएगा। आपका भी उतना ही आया बेटा? ठीक है, आंसर सही है। ठीक है, तो कोई रिएक्शन अगर टी टेम्परेचर पे चल रहा है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई निकालना है तो आराम से निकाल सकते हैं। बोलिए, हो गया आंसर? तो ये जो आया, अगर 2 रखते हो आर की वैल्यू, तो ये कैलरी पर मोल पर कैलविन होता है। अरे आर के बहुत सारे वैल्यूज बताए थे बेटे, 4 वैल्यू पे ध्यान रखना था। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप R की वैल्यू 2 ही लेके चलो, जब एनर्जी की कैलकुलेशन हो तो फायदे में रहोगे, कैलरी में आ जाएगा, जब जूल बदलना होगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चा लोग? बढ़े आगे, अगले पेज पे चलते। लिखिए नोट पॉइंट्स, इन्हीं तीनों इक्वेशंस के लिए कुछ नोट पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, लिखिए। नोट पॉइंट्स का फर्स्ट पॉइंट, एक और इक्वेशन आपने यहां लिखा है बेटा, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, पढ़ा है ना? अब ये बताओ सीपी क्या है? क्या प्रेशर? क्रिटिकल है वो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्रिटिकल कहां तुमने पढ़ लिया बेटा? यहां पर वो टीसीपीसी था, वो वाली बात है, सब ऐसे ही हॉचपॉच कर, टीसीपीसी था वो। अरे तो नरा ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा है तू? फिर डराएगा लग रहा है, वो TCPCBC है, ठीक से पढ़ा कर। ये सीपी क्या है बेटा लोग? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सीपी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर,
सीवी क्या है बेटे? एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और आर क्या है? गैस कॉन्स्टेंट। अच्छा, आर की वैल्यू क्या है? 8.314 जूल में, जूल पर मोल पर कैलोरी। और आर की वैल्यू 2 भी है कैलोरी। ठीक है, अब देखो अगर इस इक्वेशन को मैं सीपी से डिवाइड करूं, बेटा यहां से दो कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। दो तरीके का कैलकुलेशन निकलता है, वो कैलकुलेशन निकलेगा तो वो चीज देखनी है, और यहां से एक टर्मिनोलॉजी भी क्लियर करेंगे। यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां से दो तरीके का कैलकुलेशन करो। एक मैं क्या ले रहा हूं कि पूरे इक्वेशन को दोनों साइड, ये जो इक्वेशन मेरे पास है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इस इक्वेशन को दोनों साइड में डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाई सीपी। सीपी क्या है ये आपको पता है भाई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक और इक्वेशन ले रहा हूं बेटा कि इस पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड करूं, डिवाइडिंग बाई सीवी। सीवी क्या है ये भी आपको पता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब सुनिए, यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा, वो करना है हमें। पहले ये काम करते हैं, सीपी से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा? क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं सीपी बाई सीपी माइनस में सीवी बाई सीपी इज इक्वल टू आर बाई सीपी? सीपी माइनस सीवी डिवाइडेड बाई सीपी, तो मैंने सेपरेट कर लिया। तो समझ रहा है? yes, इसको सॉल्व करेगा तो वही आ जाएगा सीपी माइनस सीवी डिवाइडेड बाई सीपी। ठीक, अलग अलग कर लीजिए। तो सीपी बाई सीबी को, सीपी बाई सीपी को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस। यहां से एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है बेटा, गामा। गामा इज नोन एज एटॉमिसिटी। अब उसको सुनिए, है क्या चीज, क्या फैक्टर है, किस तरीके से उसको हमने डील करना है वो देखना है। पहले आप एक नया टर्म समझिए कि इसको हम बोलते हैं, एक नया टर्म यहां आ रहा है गामा। गामा होता है बेटा सीपी बाई सीबी। गामा क्या होता है? और इस गामा का नाम है एटॉमिसिटी ऑफ गैस। क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग? एटॉमिसिटी ऑफ गैस। गैस की बात कर रहे हैं, सीपी सीवी जो ले रहे हो आप गैस के लिए ले रहे हो, तो इसके लिए एक नया टर्म यूज कर रहे हैं हम, गामा। सीपी बाई सीबी का रेशियो गामा होता है। क्या चीज है अभी अगले पॉइंट में उसी को पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो देखिए सीपी बाई सीबी अगर गामा है तो सीबी बाई सीपी क्या हो जाएगा? 1 बाई गामा, 1 बटे गामा आ जाएगा ये। और यहां क्या हो गया बेटा? आर बाई सीपी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? गामा माइनस 1 बटे गामा। बोलो, गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू आर बाई सीपी। तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, दैट इज सीपी। ये डायरेक्ट लिख रहा हूं एक लाइन छोड़ के, दिस सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। क्या ऐसा कुछ होगा? चेक करो, और दिक्कत लगे तो मेरे इसको बताओ क्या होगा। इतना आर इज, सीपी इज इक्वल टू गामा आर अपॉन गामा माइनस 1। इससे फायदा ये हो जाता है बेटा, आप सुनिए मेरी बात, रुकिए थोड़ी देर। ये जो गामा एटॉमिसिटी है, ये गामा की वैल्यू हमें पता होती है मोनो एटॉमिक गैस, डायटॉमिक गैस, ट्राइटॉमिक गैस, इनके लिए। अभी मैं वहीं पढ़ाने वाला हूं, गामा की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊंगा आपको। तो ये गामा की वैल्यू होती है फिक्स किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए। जैसे मान लो कि मैं गैस ले रहा हूं H2, तो H2 कैसा हुआ? डायटॉमिक गैस हुआ। तो उसके लिए गामा की वैल्यू है फिक्स 1.44। अब कहां से आया, कैसे आया, यही चीज पढ़ना है अभी। अगर मैं लेता हूं कि एक इनर्ट गैस ले लिया जी, नियोन, हीलियम के बाद नियोन आता है ना, इनर्ट गैस लिया, तो ये कैसा गैस है? क्या ये मोनोएटॉमिक गैस है? तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए भी गामा की वैल्यू क्या है? फिक्स। तो अगर गामा की वैल्यू फिक्स है, गामा की वैल्यू फिक्स है, वो वैल्यू मैं यहां रख दूं, आर की वैल्यू रख दूं, तो सीपी निकल जाएगा। तो फॉर अ पर्टिकुलर गैस अगर गामा तुमको पता है तो तुम सीपी की वैल्यू निकाल सकते हो बड़े आराम से। बोल बच्चा, क्या बोल रहा हूं, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? तो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए सीपी और सीवी निकालना आसान हो जाता है अगर मुझे इस फॉर्मूले को, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करूं, गामा की वैल्यू की जानकारी हमें हो तो सीपी और सीवी की वैल्यू निकालना किसी भी गैस के लिए आसान हो जाता है। और सीपी और सीवी की वैल्यू को यूटिलाइज करेंगे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में। तो उसके लिए मैं ये एक अलग से इक्वेशन बना रहा हूं कि इसको अगर मैं सीपी से डिवाइड कर दूं तो मेरा फॉर्मूला सीपी का ये आएगा। और अगर मैं इसको सीवी से डिवाइड करूं उसी फॉर्मूले को, तो क्या बनेगा बच्चा लोग? सीवी से आर बटे गामा। आ गया, देखो तो ये क्या हो जाएगा, सीपी बाई सीवी।
माइनस में सीवी बाई सीवी इज इक्वल टू आर बाई सीवी, ऐसा कुछ लिखूंगा। उसको मैं सीवी से डिवाइड करूं तो सीपी बाई सीवी क्या हो जाएगा बेटा, गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर बाई सीवी, डायरेक्ट लिखें। तो सीवी क्या आ गया हमारे पास, आर बाई गामा माइनस वन। तो सीवी की वैल्यू आ गई आर बाई गामा माइनस वन और सीपी की वैल्यू आ गई गामा आर अपॉन गामा माइनस वन। ये दो इक्वेशन सीपी और सीवी आप निकाल सकते हैं। अगले पेज पे चलें। यस सर। नोट पॉइंट का सेकंड पॉइंट लिखो डी ओ एफ। डी ओ एफ बोलते हैं बेटा इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम डी ओ एफ बोले इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, इसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से, वो कैपिटल भी लिख सकता है लेकिन उसको लिखना पड़ेगा सी ए पी आई टी ए एल कैपिटल, पूरा लिखना पड़ेगा सी ए पी ए तब ठीक है, और नहीं तो ऐसा लिखे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। सुनिए बेटा सुनिए, ये है क्या चीज। डिग्री ऑफ फ्रीडम से बेसिकली हमें गामा की कैलकुलेशन करनी होती है। यहां दो चीजें इंट्रोड्यूस होने वाली हैं, एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखेंगे आप, इसके बाद यहां से एक लॉ सीखेंगे जिसको लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ये भी पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स में भी मिलने वाला है आपको जब थर्मोडाइनेमिक्स टॉपिक करेंगे आप। लॉ वहां भी थर्मोडाइनेमिक्स ही चल रहा है, और फिर तो थर्मोडाइनेमिक्स हो चुका है नहीं अभी नहीं, तो थर्मोडाइनेमिक्स में वहां भी पढ़ेंगे। दैट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस उतना ही है बेटा, सिंबल का साइन का मैंने आप लोगों को डील किया था, बताया था, यहां हम प्लस लेंगे तो वहां माइनस होगा। हालांकि वो डिफरेंस जो है वो आता किसके कारण है, रेफरेंस पॉइंट के कारण, बाकी चीजें सेम है। अब सुनिए डीओएफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, एफ एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये है क्या चीज। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये चीज होता है कि कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल, आपको पता है कि गैसियस मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, ये क्या चीज है। सुनो बेटा, जिस तरीके से कोई गैस अपने फ्रीडम को शो करता है दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फ्रीडम को शो करने का मतलब क्या है, फ्रीडम को शो करने का मतलब है, अब समझिए पूरा कॉन्सेप्चुअल चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल किस तरीके की एनर्जी जो है वो प्रोसीड कर रहा है, किस तरीके की एनर्जी शो कर रहा है। एनर्जी शो करने का मतलब है, कहावत है ना कि जैसा खाओगे वैसा बनोगे, मतलब फिजिकली जिस तरीके से आप खाना खाएंगे उस तरीके से आपका फिजिक जनरेट होगा। तो वैसे ही डिग्री ऑफ फ्रीडम ये मॉलिक्यूल है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल जिस तरीके का एनर्जी शो करेगा उतनी फ्रीडम उसके पास होगी। जैसे मान लो कि वो मूवमेंट शो कर रहा है ट्रांसलेशनल, समझिए मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझिए। अगर मान लो कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल रखा हुआ है वो सीधे चल रहा है स्ट्रेट, इसका मतलब क्या बोलूंगा मैं कि उसके पास सिर्फ एंड सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी वो शो कर रहा है, तो वो फ्री है सिर्फ एक एक्सिस पे चलने के लिए। नहीं समझ रहे? अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल मैं देख रहा हूं, मान लो कि मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं, एक हाइड्रोजन एटम यहां एक हाइड्रोजन एटम यहां, ये बॉन्ड लेंथ ऐसे ही जुड़ा होता है ना भाई, दो हाइड्रोजन एटम है ये बॉन्ड लेंथ से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं देख रहा हूं कि ये सीधे ऐसे चल रहा है। तो अगर ऐसे चल रहा है मतलब मैं बोल दूंगा कि इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है, तो मैं बोल दूंगा कि ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग चल सकता है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, ये फ्रीडम जो है इसकी सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग है। लेकिन अगर यही ऐसे रोटेटेड मिला मुझे, ये रोटेट हो रहा है पूरा, तो अगर ये रोटेट हो रहा है मतलब इसमें रोटेशनल मोशन है, समझ रहे हैं ना आप लोग। इसका मतलब क्या है कि मैं बोल सकता हूं कि इसमें रोटेशनल मोशन ये शो कर रहा है, तो ये दो तरीके से रोटेट हुआ होगा कि या तो ये एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट हुआ होगा, ये जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट हुआ होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस पे तो इसको रखा है हमने और ये रोटेट हो रहा है, तो रोटेट होने का मतलब कि मान लो ये है एक्स एक्सिस पे मैंने इसको रखा है, तो या तो एक्स पे तो इसको रखा ही है, तो ये वाई एक्सिस है इसके अलोंग ये रोटेट हो ऐसे, समझ रहे हैं,
या फिर y एक्सिस ये रखा, z एक्सिस ये रख रहा हूं, या फिर z एक्सिस के अलोंग रोटेट हो। तो अगर ये x एक्सिस पे रखा हुआ है तो y के अलोंग रोटेट होगा या फिर z के अलोंग। पहले इसके बारे में कुछ लिखो, फिर चीजें और क्लियर होंगी। लिखो पहले, इट इज द नंबर ऑफ वेज, ये DOF के बारे में बोल रहा हूं, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बोल रहा हूं। लिखो, इट इज द नंबर ऑफ वेज, WAYS, वेज बाई विच, इट इज द नंबर ऑफ वेज बाई विच अ गैसियस मॉलिक्यूल, इट इज द नंबर ऑफ वेज बाई विच अ गैसियस मॉलिक्यूल, अ गैसियस मॉलिक्यूल शो SHOW शो इट्स एनर्जी, इट इज द नंबर ऑफ वेज बाई विच अ गैसियस मॉलिक्यूल शो, गैसियस मॉलिक्यूल शोज इट्स एनर्जी। कोई भी एक गैसियस मॉलिक्यूल जितनी एनर्जी शो करता है, जितने तरीके से शो करता है, वही होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूं बेटा, ये फॉर्मूला जरा ध्यान रखिएगा। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3n-k, 3n-k क्या है n? n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मॉलिक्यूल तो छोड़ो, ये एटम ही है, इनफैक्ट एक मॉलिक्यूल ही लेते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स ही लिखिए। रुकिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से, नंबर ऑफ एटम्स इन द सिस्टम, जो भी गैसियस सिस्टम आप ले रहे हो। और के क्या है, अभी अभी समझ में आएगी बातें, ये क्या चीज है। के है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म इन द सिस्टम, एफ इज इक्वल टू 3n-k। हालांकि ये चीज समझाने के लिए है सिर्फ, कैलकुलेशन तो किसी और तरीके से ही करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं, किसी और तरीके से भी करेंगे। सुनिए ये क्या चीज है, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का एक सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं बेटा, सुनो। जो मॉलिक्यूल का जिस तरीके का एनर्जी होगा, जितनी एनर्जी तुम उस मॉलिक्यूल में देख पाओगे, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हैं, जितनी एनर्जी आप किसी गैसियस मॉलिक्यूल में देख पाएंगे, वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कॉन्सेप्ट समझिए जरा, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं मैं, कोई एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं जिसकी एनर्जी जो है वो ट्रांसलेशनल है, समझना, ट्रांसलेशनल का मतलब लीनियर मोशन में है वो, अगर कोई गैसियस मॉलिक्यूल तो लीनियर एनर्जी अगर होगी, जिसको मैं ट्रांसलेशनल एनर्जी बोल रहा हूं, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी कितने एक्सिस के अलोंग हो सकती है, मतलब ये हो सकता है कि एनर्जी एक्स एक्सिस पे हो, चाहे हो सकता है कि वाई एक्सिस पे होगा एक ही टाइप का, या फिर हो सकता है कि किस एक्सिस पे हो, जेड एक्सिस पे हो, इस तरीके से मूव कर सकता है। अगर रोटेशनल होगा, रोटेशनल भी कितने तरीके का एनर्जी होता है, रोटेशनल एनर्जी टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, या फिर रोटेशनल टुवर्ड्स वाई एक्सिस, या फिर रोटेशनल टुवर्ड्स जेड एक्सिस। और तीसरी एनर्जी, एनर्जी का टाइप मैं बता रहा हूं, जो जो एक गैसियस मॉलिक्यूल शो करता है, थोड़ा सा ही अलग तरीके का कंडीशन है, थोड़ा अभी नई चीजें जान रहे हैं आप, तो थोड़ा आराम से समझते जाइए बस। और तीसरा होता है जी बेटा इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी, ये एनर्जी की बात कर रहा हूं सब, ये रोटेशनल एनर्जी ली हमने, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी ली। ट्रांसलेशनल तो समझ रहे हैं ना, मूवमेंट इन अ लाइन, तो ट्रांसलेशनल होगा तो तीन ही एक्सिस पे हो सकता है ना, चाहे वो एक्स पे हो, चाहे वाई पे हो, चाहे जेड। अच्छा ये चीज आपको पता है कि गैसेस आर फ्री टू मूव अलोंग ऑल द डायरेक्शंस, तो कोई भी गैसेस मॉलिक्यूल जो होता है वो एक्स पे भी मूव कर सकता है, वाई पे भी मूव कर सकता है, चाहे जेड पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। रोटेशनल भी होगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी रोटेट कर सकता है, वाई एक्सिस, रोटेशनल पढ़ चुके हो फिजिक्स में, अच्छा नहीं तो पढ़ोगे। एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेशन का मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस रखा हमने, कोई भी मॉलिक्यूल रखी, ये एक्स एक्सिस है, ये फिंगर में रोटेट कर रहा हूं एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक्स एक्सिस पर रख के एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करो, एक्स एक्सिस के चारों तरफ घुमाओ, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रोटेशन हुई।
तो कोई भी एक्सिस के अलोंग अगर रोटेट कर रहा है तो एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करे, चाहे वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट करे, चाहे जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं आप लोग? नहीं समझ रहे हैं? या फिर किसी मॉलिक्यूल में क्या हो सकता है? वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है कि वो वाइब्रेट कर रहा हो, तो वाइब्रेट करेगा तो दिस इज नॉट ट्रांसलेशनल मोशन। तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है, या रोटेशनल एनर्जी हो सकती है। तीन तरीके से उसका मोशन शो हो सकता है, तीन तरीके से, ज्यादा आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो तीन तरीके से अगर वो मोशन होगा उसका, तो तीन तरीके का उसमें एनर्जी होगा, और उसी एनर्जी को मैं बोलूंगा कौन सा उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब सिंपल से फंडा में समझो बेटा इसे। अगर मान लो कि मैं एक मोनो एटॉमिक गैस लेता हूं, आई एम टेकिंग मोनो एटॉमिक गैस, सीधे सीधे पता चल जाती है जी। मैंने क्या बोला है आपको कि अगर गामा की वैल्यू का पता चल जाए, और गामा की वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम समझा रहे हैं, गामा की वैल्यू का पता चल जाए तो सीपीसीवी निकल जाएगा ना, अभी फॉर्मूला लिया था आपने, तो गामा की वैल्यू का पता चल जाए तो सीपीसीवी दोनों निकल जाएगा। तो कोई भी एक गैस आपको दे देगा तो उसका सीपीसीवी, गामा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चार वैल्यू ऐसे हैं जो क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए चारों वैल्यूज आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए, और वो इस क्लास में सेट हो जाएंगे। थोड़ा फिक्स रहिएगा, 10-15 मिनट में ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि चीजें आगे बढ़ेंगी तभी समझ पाएंगे इसको आप। सुनिए, मैंने बोला मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस का कुछ एग्जांपल बताओ। जितने भी इनर्ट गैस है मोनोएटॉमिक है कि नहीं? मोनोएटॉमिक का मतलब सिंगल एटम हो, गैस हो भाई। ग्रुप 18 एलिमेंट को हम गैस ही तो बोलते हैं, इनर्ट गैस, नोबल गैस। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, ठीक है। तो मोनोएटॉमिक गैस के एग्जांपल में आप ले सकते हो जी, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनो बेटा, मोनोएटॉमिक गैस है मतलब एक ही एटम है इस गैस का, सिंगल एटम। तो अगर इसके लिए मैं बोलूं आपसे कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला मैंने क्या लिया है, 3n - k। तो आप बताइए कि 3 तो 3 है, चलो ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन द सिस्टम। तो बताइए एक एटम है तो इसका नंबर ऑफ एटम इन द सिस्टम कितना हो गया, n की वैल्यू हो गई 1, तो 3 × 1 - k। k होता है बेटा इंडिपेंडेंट टर्म, कोई भी एक एटम है उसका जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म कैसे निकालते? देखो नंबर ऑफ एटम तो निकल जाएगा ना, मोनोएटॉमिक है तो 1 लिखो, डायटॉमिक है तो 2, ट्राइटॉमिक है तो 3। अब ये जो टर्म है ना बेटा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? और ये ऐसा चीज मैं बता रहा हूं कि जब तुम प्रीवियस ईयर उठाओगे ना आईआईटी के, वो इसके नीट के लिए उठाओ, जब प्रीवियस ईयर जो पूछे हुए क्वेश्चन तुम उठाओगे, ये तुमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इट इज नॉट योर एनसीईआरटी टॉपिक। लेकिन ये चीज तुम प्रीवियस ईयर उठाओगे, जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन, तो दो जगहों पर मिलेगा, ये दो चैप्टर में मिलेगा। एक चैप्टर तुम्हारा गैसियस स्टेट भी है और दूसरा चैप्टर ये थर्मोडायनेमिक्स है, इसलिए इसको एक अलग से टॉपिक बना के नोट पॉइंट करा के लिखवा रहा हूं मैं इसको, आप थोड़ा अच्छे से समझिए बेटा। तो एन निकालना सीखेगा, सीख जाएगा, कैसे होगा, चाहे मोनो एटॉमिक हो चाहे डायटॉमिक हो, उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। के का मैटर क्या, व्हाट इज के, के कैसे पता करेगा? तो के क्या होता है, कोई भी एटम है जितना भी, जैसे मोनो एटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक को तुम फिक्स करो, उसको निकालते कैसे हैं, के की वैल्यू को, जैसे एक एटम है तो उस एक एटम को फिक्स करो। और देख, फिक्स करने का मतलब कि आप ऐसे सोचो कि मैंने वन एटम था उसको पकड़ा है, उस वन एटम को पकड़ा है तो बताओ कि उसके आजू बाजू में कितने एटम हैं जो उसके टच में हैं जिसको हम नहीं पकड़ पाए, कोई भी नहीं है, एक ही तो था जिसको पकड़ा है हमने, तो एक को तो तुमने डिपेंडेंट बना दिया अपने आप पे, आपने उसको रोका, तो उसके अलावे कितने एटम है जो इंडिपेंडेंट है, जीरो। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मान लो डायटॉमिक है, डायटॉमिक में दो एटम है एक दूसरे से अटैच्ड, एक एटम को पकड़ो तो कितने एटम है जो इंडिपेंडेंट है, एक। तो डायटॉमिक में एक होगा और मोनोएटॉमिक में जीरो होगा, हाँ बेटे। तो यहां के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ कितना आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो मोनोएटॉमिक गैस का है वो कितना हो गया बेटा, लो 3। अगर यही चीज मैं डायटॉमिक गैस के लिए लूं, बताओ क्या होगा? जैसे डायटॉमिक गैस मान लो कि मैं ले लेता हूं H2Cl2N2 बस O2 ऐसा कुछ, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 1 दैट इज
5 हो जाएगा ना बेटे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई? 5। क्या दो आइटम है? वही तो मैं बोल रहा हूं कि इसको समझने की कोशिश करो। दो आइटम है, एक को तुमने होल्ड किया, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट है, एक को तो खुद की डिपेंडेंसी दे दी ना, तो एक ही है जो इंडिपेंडेंट है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? इंडिपेंडेंट टर्म्स कितने हो गए? एक। अब मोनोएटॉमिक में तो एक ही था, उसको तुमने होल्ड कर लिया, तो इंडिपेंडेंट टर्म 0। ये चीज मोनोएटॉमिक डायटॉमिक क्लियर है यहां पर? अरे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर है? अगला पॉइंट लिख, सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट लिख, जल्दी लिख इसको। आ रहे हैं उसमें भी आ रहे हैं। अब तूने बोल दिया तो बताना पड़ेगा। जरूरत ऐसे बेटा मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक ही होती है, लेकिन उसने बोला है तो बताना पड़ेगा। सुनो, ट्राइटॉमिक की बात करें तो ट्राइटॉमिक दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा ट्राइटॉमिक लीनियर और एक होता है ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर। सुनिए बेटा, लोग समझिए इसको। तीन एटम, जैसे दो एटम की बात करें तो ये तो लीनियर ही होगा, कहीं भी दो एटम को अगर आप इन्वॉल्व कर लो तो ये क्या है, एक लाइन में ही है ना, एक लीनियर ही एटम बनेगा ना। रुकिए, अभी नहीं मिटा रहा हूं, रुकिए थोड़ी देर, रुकिए समझिए पहले इसको। ये तो लीनियर ही बनेगा, लेकिन ट्राइटॉमिक दो तरीके का, एक लीनियर और दूसरा कैसे बोलोगे, कौन सा लीनियर है कौन सा नॉन? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आपने स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेटा। केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है? अच्छा ठीक है, नहीं पढ़ा तो जान लो। लीनियर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कार्बन मतलब तीन है, ऐसे सुनो तीन एटम अगर मान लो कुछ इस तरीके से जुड़े हुए होंगे, तीन एटम ऐसा हो तो मैं इसको क्या बोलने वाला हूं, लीनियर। और अगर यही तीनों एटम कुछ इस तरीके से जुड़ जाए तो ये तो नॉन लीनियर है। तो जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के बेस में हम बोल सकते हैं कि ट्राइटॉमिक लीनियर होगा कि नॉन लीनियर। जैसे CO2 की बात करूं तो एक लीनियर है, और वही मैं H2O की बात करूं, वॉटर, तो वॉटर का आपको पता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेंट होता है। ये ऑक्सीजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, तो कैसा है ये स्ट्रक्चर? नॉन लीनियर है। तो एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, एक लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं। आप सुनिए बेटा, सुनो, ट्राइटॉमिक लीनियर है नॉन लीनियर, इसकी बात करते हैं बेटा। तो अगर मैं लीनियर कंटेंट को देखूं, अब यहां देखो मेन मुद्दा तो सिर्फ के का है ना, के आ जाए तो काम हो गया मेरा। तो आप लीनियर कंटेंट में बताओ कि तीन एटम का लीनियर कंटेंट है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। एक को होल्ड करूंगा मैं तो ये 2 होंगे, इसका के का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां? 2। लेकिन अगर मैं नॉन लीनियर को देखूं बेटा, ध्यान दो समझो, इफ आई एम टेकिंग दिस नॉन लीनियर कंटेंट, तो आई हैव टू फ्री दैट, मुझे इस कंटेंट को जितना ज्यादा हो फ्री करना है। तो अगर ये नॉन लीनियर है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इस नॉन लीनियर को एक कार्डबोर्ड के थ्रू, अगर ये कार्डबोर्ड के थ्रू ऐसे मैं तीनों एटम को इन्वॉल्व करके यहां पे एक एक्सिस इन्वॉल्व करूं, यहां से एक्सिस एक आर पार करूं इस कार्डबोर्ड के, और इस एक्सिस को होल्ड करूं, रोकूं, तो रोकूंगा तो ये तीनों के तीनों एटम रुक जाएंगे, मतलब पूरी मॉलिक्यूल रुक जाएगी। बोलिए, तो उस केस में तुमने कितने एटम्स को होल्ड किया है? होल्ड तो किया, यहां भी तो तीनों को होल्ड किया है, पकड़ा तो तीनों, पूरे मॉलिक्यूल को रोक दिया ना, एक को रोका तीनों रुक गए, तो यहां भी तो होल्ड किया तुमने तीनों को, लेकिन तुमने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में किसको रखा? एक भी नहीं है। तो इस कंडीशन में तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं? तुमने होल्ड तो पकड़ा तो किसी को नहीं है ना। तो इस केस में यहां पर के की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटे? 3। ध्यान रखिएगा, कैसे माइनस? माइनस क्या होता है? माइनस क्या नहीं समझा? बोल ना, डर क्यों रहा है? शर्मा क्यों रहा है? बोल, शर्मा मत। अरे इसका स्ट्रेंथ बहुत, मेंटल स्ट्रेंथ इसका बहुत बढ़िया है, इसको मैं चाहता हूं, लेकिन ये पीछे बैठ के ना बिगड़ रहा है। ये पीछे बैठता है, 2 मिनट इधर देखेगा, 2 मिनट पीछे देखेगा, यहां बैठा है तो ठीक है, फिर सोच तो रहा है, पूछ तो रहा है। बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ वाला बच्चा है, ये कर सकता है बहुत कुछ। हाँ बोल बेटा, क्या है?
हाँ एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू तो फिर एन की वैल्यू थ्री हो गई ना यहां पर, तो माइनस में कैसे आएगी वैल्यू? ट्राइटॉमिक है, ट्राइटॉमिक है, तो इसके लिए एफ की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, थ्री थ्री जा नाइन, और लीनियर है तो नाइन माइनस टू कितने हो जाएंगे सेवन, एफ की वैल्यू इसके लिए आ गई सात, और इसके लिए बताओ एफ की वैल्यू सिक्स, इसके लिए एफ की वैल्यू सिक्स होगी और इसके लिए एफ की वैल्यू सेवन होगी। ओ आंसर मिल गया आपको, अच्छा ठीक है, इनका क्वेश्चन था, सुनिए बच्चा लोग, इनका क्वेश्चन था इसलिए मैंने ट्राइटॉमिक बता दिया आपको, लीनियर नॉन लीनियर, बट इट इज नॉट योर सिलेबस पार्ट, आपका जो सिलेबस पार्ट है जेई मेंस और नीट के लिए, वो सिलेबस पार्ट सिर्फ मोनोटॉमिक और डायटॉमिक याद रखना, समझ में आ रही बात, मोनोटॉमिक और डायटॉमिक सीधे फिट हो जाते हैं दिमाग में आपके। चले अगले पेज पे चले, कैसे नाइन तो होती नहीं है, सात ही तरीके का मैक्सिमम हो सकता है, नाइन कैसे निकालना देख जरा, हाँ के जीरो कैसे क्लियर है तुम, के मैं यहां थ्री लिख रहा हूं, के मैं यहां टू लिख रहा हूं, तुम जीरो कैसे ले रहे हो, जीरो कहां से, के इज थ्री के इज टू हियर, मतलब किसी को होल्ड करना है, रोकना है तुम्हें, तुम देखो कि यहां पर तुम एक्सिस को रोक रहे हो ना, तीनों को तो इंडिपेंडेंट छोड़ रहे हो, इसलिए के की वैल्यू क्या हो गई थ्री, ठीक है क्लियर है बेटा लोग, बड़े आगे इसके बाद लिखिए, देखिए दो पॉइंट है जिसको मिला के गामा की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, बेसिकली उस गामा की वैल्यू के लिए ही मैं एक पॉइंट बताया डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन अगर देखा जाए तो कहीं नहीं है, डायरेक्ट आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो मोनोएटॉमिक के लिए डायटॉमिक के लिए, इसको हम यूज करते हैं बेटा फर्दर गामा की कैलकुलेशन, तो इसके लिए एक और अब लॉ लिखो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछता है आपके स्कूल लेवल पे पूछता है, लिखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, पढ़ पा रहे हैं आप लोग, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, अच्छा मैंने बोला वो सुन पाए ना, इसके बाद थोड़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, अबे जी अच्छा ये इसके चारों तरफ रहने दे, मैं लिख देता हूं, अब ठीक बच्चा लो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लिखिए, एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ ऑप्शन सुनाई भी नहीं दे रहा है, पहले दिखाई नहीं दे रहा था बेटा, एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैं बोलू ना समझ में आए तो बोलिएगा मैं लिख दूंगा, मतलब ना समझ में आ रहा जो बोल रहा हूं, पर यूनिट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी टी, ये कुछ ऐसे लिखना बेटा हाफ के बी इंटू टी, ये के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट है, हाफ के बी टी, ये के बी क्या है बेटा, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, क्या चीज है देखो, के बी को बोलते हैं हम बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, नाम तो सुना ही होगा, नाम कहीं नहीं सुना,
ये होता बेसिकली क्या है, ये होता है रियल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, आर बाई एन ए इज के बी। आर की वैल्यू आपको पता है ना 8.314, अगर मैं ऐसा यूनिट में लू तो, और एवोगाड्रोस नंबर की भी वैल्यू पता है 6.022 × 10⁻²³। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा 1.38 × 10⁻²³। ये आता है केबी का वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, क्या स्टेटमेंट क्या लिखा था बताओ जरा, एनर्जी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल लिखा था ना। ठीक है, अब देखो जरा, सुनो बेटा, सुनिए, ध्यान दीजिए, रुकिए थोड़ी देर, लिखना नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। इफ आई एम टेकिंग मोनो, बेटे बात ना करें, बात ना करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फिर बात कर रहे हो यार। अगर मैं मोनोएटॉमिक गैस लेता हूं तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आया तुम्हारे पास, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना, 3। तो आप बताओ कि इसका एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, फिर बोलो मत, बिल्कुल भी नहीं बोलो, समझो इसको, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा। तो देखो, वन मॉलिक्यूल की एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन कहता है कि हाफ केबीटी होगा, लेकिन हाफ केबीटी कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम का, फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो उसकी एनर्जी होगी हाफ केबीटी। आप बताइए कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है बेटे लोग, 3। तो बताओ इसमें एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 3 × ½ KBT। अगर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो एनर्जी होगी हाफ केबीटी, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, क्या मैं लिख दूं 3/2 KBT, बोलो। ये एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल है, एनर्जी ऑफ, तो अगर मैं बोलूं कि एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस क्या होगा, एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ गैस, तो वन मोल में कितने मॉलिक्यूल, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मैं KB × NA हो जाएगा, क्या मैं इसको लिखूंगा 3/2 KBT × NA, एवोगाड्रोस नंबर। अब यहां से देख बेटा, KB = R/NA, तो KB × NA को मैं R लिख सकता हूं, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं 3/2 RT, बोलो बोलो, होगा नहीं होगा। अब ये एनर्जी ऑफ वन मोल है, किसी वन मोल ऑफ गैस का तुम एनर्जी निकालो, तो एनर्जी किसी भी कंटेंट का तुम निकालो। देखो, मैंने आपको पहले बोला था कि इंटरनल एनर्जी वी कांट कैलकुलेट, चेंज निकालते हैं, लेकिन जब किसी गैस का गैसियस मॉलिक्यूल की बात करें, इनर्ट गैस, वो रियल गैस चाहे वो आइडियल गैस की बात करें, जो कि मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कि ये इसकी एनर्जी है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये इसका इंटरनल एनर्जी है डेल्टा यू, कि एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, तो एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल कितना, उस समय उसकी एनर्जी कितनी है, ये किस पे डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, बोलिए। तो अगर मान लीजिए कि ये एनर्जी ऑफ वन मोल की बात कर रहे हैं बेटा लोग, ध्यान दीजिए, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/2 RT। बच्चे लोग ध्यान दो, तो क्या तुमने डेल्टा यू को ऐसे पढ़ा है क्या कि दिस इज NCV∆T? बोलो, क्या तुमने इस डेल्टा यू को ही एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा है? अरे बताया है भाई, लास्ट क्लास में ही बताया है। तो डेल्टा यू इज डेल्टा टी को अगर मैं इधर भेज दूं, तो डेल्टा यू बाई टी को क्या मैं लिख सकता हूं N × CV? बोल भाई। तो डेल्टा यू को ये टाइम इधर मैं भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू बाई टी, दैट इज N × CV, और N कितना है, वन मोल है, तो N की वैल्यू अगर वन हो जाए तो डेल्टा यू बाई टी दिस इज इक्वल टू CV एंड दिस इज इक्वल टू 3R/2।
कुछ समझ में आई बात की नहीं आई? सीबी की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितनी हो गई बेटा? लो 3R/2। वैसे ही अगर मैं बोलूं कि सीपी निकालो तो सीपी क्या होगा? आपको पता है सीपी माइनस सीबी इज आर, तो सीपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीबी प्लस आर हो जाएगा, तो 3R/2 प्लस आर दैट इज 5R/2। 3R/2 मतलब 3/2 R क्या है? 1.5 R and 1 R, तो ये हो जाएगा टोटल 5R/2। तो किसी मोनोएटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीबी की वैल्यू 3R/2 और सीपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? लो तो सीपी और सीबी जब तुम्हारे पास आ गया तो कैन यू फाइंड द गामा? गामा की वैल्यू क्या? सीपी बाई सीबी। तो जब सीपी बाई सीबी करोगे ये आ जाएगा बेटे 5/3। सॉल्व करके देखो ये वैल्यू आ गई 1.67, मतलब 6666, तो 1.67 लिख रहा हूं। तो गामा की वैल्यू आ गई मोनोटॉमिक गैस के लिए 1.67। क्या हो गया तुम लोगों को? मतलब ये मत सोच कि सर लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, दिमाग इनका कहीं और है। हम देखते रहते हैं आप लोगों को भी कि आप लोग कर क्या रहे हैं, तो इस चीज से आप निश्चिंत रहें। ऐसा नहीं है कि वो ठीक है कि मैं देखता हूँ कि एक बार चल थोड़ा सा बात किया तो इग्नोर दे, बार बार ही वही काम करोगे तो फिर क्या होगा? फिर मुझे बोलना पड़ेगा या तुमको उठा के बाहर भेजना पड़ेगा? यही काम करेंगे। ये बात मत समझिएगा बेटा कि सर लिख रहे हैं इधर, तो फिर हर एक मास्टर की एक यहाँ भी आँख होती है, त्रिनेत्र इनको भी बोला जाता है। जब टीचर बोर्ड की तरफ होता है तो ये आँख खुलती है, देखते हैं सब कर क्या रहा है बच्चा, समझ रहे हैं? तो त्रिनेत्र है हम भी, लिखिए यार। ये समझ गए आप? मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू निकाल दी बेटा। अभी एक शॉर्ट ट्रिक भी देने वाला हूं डायरेक्ट, जो है गामा निकालने आप, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट। क्लास हमारी 3 o'clock तक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जिसको नहीं पढ़ने का मन है वो जा सकता है। गामा इज 1.67, 5/3। कैन यू फाइंड इट फॉर डायटोमिक गैस? आपको करना है और अभी करना है, जल्दी करें। हाँ जी, गामा की वैल्यू फिक्स फॉर एनी गैस, वही तो गामा फिक्स हो जाए तो सारे कैलकुलेशन फिक्स हो जाएंगे हमारे। डायटोमिक गैस देखो, वैसे ही सुनो बेटा, डायटोमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो बताइए कि एनर्जी ऑफ वन मोलिक्यूल उसका कितना होगा? 5/2 kBT। तो एनर्जी ऑफ वन मोल कितना हो जाएगा? 5/2 RT। तो सीबी आ जाएगा 5R/2 और सीपी आ जाएगा 7R/2, तो गामा 7/5 दैट इज 1.4। तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 नहीं आ जाएगा? लिखिए। वैसे ही ट्राइटोमिक नॉन लीनियर निकालो जरा, जो मैक्सिमम गैसेस है वो ट्राइटोमिक नॉन लीनियर है। ये मैंने मोनोएटॉमिक के लिए निकाला है, आप डायटॉमिक के लिए निकालो नॉन लीनियर। बेटा बहुत सिंपल सा फंडा है इसका, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने में आपको दिक्कत हुई लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम अब निकालने में तो दिक्कत नहीं है। मोनोएटॉमिक के लिए एकदम दिमाग में फिट रखो, मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 3। डायटॉमिक के लिए 5, ट्राइटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक लीनियर भी है, ट्राइटॉमिक नॉन लीनियर भी है, तो लीनियर के लिए 7 और नॉन लीनियर के लिए 6 हो गया। अच्छा, ट्राइटॉमिक आपको याद ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, मोनोएटॉमिक डायटॉमिक आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। हो गया फिट? मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और डायटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अब जब डिग्री ऑफ फ्रीडम तेरे पास है तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यूज करके मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक का सीपी सीबी गामा सब निकाल। मोनोएटॉमिक मैंने निकाला, डायटॉमिक तू निकाल। गामा इज सीपी बाई सीबी, अभी तो लिखवाया था ना थोड़ी देर पहले। गामा जब सीपी आ गया तेरे पास, सीबी आ गया, तो गामा सीपी बाई सीबी कर लेना बेटा। हाँ, ट्राइटोमिक के लिए आ गया। सबके रजिस्टर पे दिखना चाहिए, आ रहा हूं मैं, ये सबके रजिस्टर पे दिखना चाहिए अभी कितना किया है नहीं किया। इसके लिए
सर फोर बाई थ्री कैसे निकाल दिया? उसका नॉन लिनियर है तो उसका कितना हो गया, सिक्स सिक्स आर बाई टू सी पी सी बी और थ्री आर आ गया और उतना कितना हो गया फोर आर, मतलब फोर आर बाई फोर बाई थ्री आर, ठीक है 1.33 और उसका आएगा 1.28, तो दोनों वैल्यू हम 1.3 ही लेते हैं। हाँ जरूर आएगा 1.4 आएगा, और ट्राइटॉमिक लीनियर और नॉन लीनियर निकालो दोनों का 1.3 आएगा, मतलब एक आएगा 1.28 तो मैं ले सकता हूं 1.3 और दूसरा तो 1.3 है। ये वन मोल का मतलब ये मैक्सिमम बच्चों को मुझे लगता है ना होगा क्लियर। सुनिए सुनिए समझिए इसको, वन मोल अगर मैं लेता हूं इसका मतलब मोलक्यूल कितना है इसमें, एवाड्रोस नंबर। तो एक मोलक्यूल का एनर्जी अगर इतना है तो एवाड्रोस नंबर और मोलक्यूल का एनर्जी कितना होगा, इसमें एवाड्रोस नंबर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यही काम किया और फिर केबी इंटू एन एक वार लिख दिया, क्या दिक्कत, वो वैल्यू वहां से निकली, समझ में आई ना बातें, बड़े आगे। साथ साथ लिखते जाओ, आप लोग साथ साथ लिखते नहीं हो बेटा, ये दिक्कत है, और फिर घर जाके उसको पढ़ते नहीं हो और इसमें प्रॉब्लम में ही रहोगे फिर। ट्राइटॉमिक लीनियर नॉन लीनियर कोई निकाल लो, एक हो जाएगा, दोनों का 1.3 ही आएगा, एक का आ रहा है 1.28 और एक का 1.33, तो 1.3 ही आएगा ना, हाँ तो 1.3 ले लो, तो ट्राइटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.3, ट्राइटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 1.3। अब देखिए बेटा सुनिए, ये एक फ्लो चार्ट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं लिख रहा हूं गैस, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, सीपी की वैल्यू, सीवी की वैल्यू और गामा की वैल्यू। अच्छा गामा निकालने का एक और तरीका बताऊं मैं, ये होता है 1+2/f, डायरेक्ट निकाल सकते हैं ऐसे भी, या फिर एक और फॉर्मूला गामा का क्या पता है आपको, सीपी बाई सीवी, ये भी है, या गामा निकालने का एक और फॉर्मूला है 1+2/f, f क्या है यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम, आप कहीं से कर लो कैलकुलेशन सिमिलर आएगी। अब सुनो बेटा, अरे बच्चा लोग शांत हो जाओ एकदम, बिल्कुल भी, गैस है, अगर गैस में मैं मोनोएटॉमिक गैस लेता हूं, बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, एकदम शांत रहिए, मोनोएटॉमिक गैस लेता हूं, बताइए जरा एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, डायटॉमिक गैस लू तो क्या, क्या कुछ बोल रहा है, खुद हंस रहा है बोल बोल के, सर बताओ भाई, हंसने वाली बात है तो बोल ना, सब मिलके हंसते हैं, मतलब क्या बोला, कुछ बोला, अच्छा इसको ट्राइटॉमिक लीनियर और लास्ट पार्ट ट्राइटॉमिक एनएल लिखूं नॉन लीनियर के लिए बेटा, चलो ये सारे सारे ये फिलअप करो, सारे कंटेंट इसमें फिलअप करो।
डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 5 ट्राइटोमिक लीनियर कितना हो गया, ट्राइटोमिक नॉन लीनियर बस। और देख बेटा याद करने का तरीका, जितना इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम सीवी, मुझे सीवी लिखना चाहिए पहले, ज्यादा बेटर होगा कि आप पहले इसको सीवी लिखें। अरे यहां आप सीवी करें तब सीपी करें, क्योंकि सीपी क्या है, सीवी प्लस आर, और सीवी की वैल्यू जो है उसकी एनर्जी है जो इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आया, तो बताइए इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी सीवी की, 3R/2, ये हो जाएगा 5R/2, ये हो जाएगा 7R/2, और ये हो जाएगा 6R/2, जिसको मैं 3R लिख सकता हूं, तो और सीपी कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा एंड दिस इज 4R हो जाएगा, ये 4R/2 कैसे, 8R/2 ठीक है, 4R लिख दीजिए कोई दिक्कत। अब देखिए बेटा मैंने क्या बोला है, सुनिए, गामा को आप किसी मेथड से निकाल लीजिए, ये भी एक टेक्निक है गामा सॉल्व करने की, 1+2/f, आप समझ करके देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है डायरेक्ट गामा आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक का कितना, 3, लाइट ऑन कर जरा, ऑफ क्यों किया वहां की लाइट, गामा की वैल्यू क्या है यहां पर, लाइट इधर की भी ऑन करो बेटे, गामा की वैल्यू क्या है, वो गामा बोलो, मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3, तो यहां से निकाल के देखो जरा गामा 1.67 आ रहा है कि नहीं, यहां से भी आ रहा है 1.67। पीछे वाले बच्चों आप लोगों पे ध्यान है मेरा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ गलत हो, कुछ गलत डिसीजन हो इस क्लास में, समझाने पे भी नहीं समझ में आती है बात आप लोगों को, गामा की वैल्यू क्या आ गई 1.67, यहां से भी वही आएगा, यहां से भी वही आएगा, सॉल्व करके देख ले भाई कैसे भी सॉल्व कर, इसकी भी वैल्यू क्या आ गई 1.4, 2 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 5, तो 2/5 सॉल्व करोगे तो 0.4 होगा, 1+0.4 दिस इज 1.4, इसकी सॉल्व, इसकी बात सॉल्व करो, 9/7, 9/7 लिखो चाहे 1+2/7, तो 9/7 करोगे तो कितना आएगा 1.28, इसको मैं 1.3 लिख रहा हूं, इसको भी 1.3 लिख रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये 1.33 आएगा या 1.28 आएगा, तो इसको भी 1.3, इसको राउंड ऑफ कर दिया दो, तो ये वाली वैल्यू आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए कि गामा मोनोएटॉमिक के लिए 1.6, डायटॉमिक 1.4, ट्राइटॉमिक 1.3, ठीक है, ट्राइटॉमिक लीनियर नॉन लीनियर में ये सारे वैल्यूज बदलेंगे, लेकिन गामा की वैल्यू हमें नहीं चेंज करनी है, उसको रखना है 1.3। हालांकि ये आपके, ये आप नहीं भी ध्यान में रखें तो भी चलेगा, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ये अपने आप कुछ हो रहा है इसके साथ, ये दोनों वैल्यू ध्यान में होने चाहिए, ठीक है, लिख लीजिए, हाँ ये तो लिखना है, मतलब अभी तक आज की क्लास में जितना भी पढ़ा वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना ही है, इतना ही दिमाग में रहे तो सब चीजें भूल जा, हाँ कैसे रटने वाली बात होगी, रटवाना थोड़ी है बेटा, कहाँ बेटा, गामा इज सीपी बाई सीवी, ये बहुत पहले भी लिखा था, यार हाँ इसमें ये, अरे वही तो बोल रहा हूँ, सीपी बाई सीवी, गामा इज सीपी बाई सीवी, हो गया मिटाया जाए, तो यहां से रिलेशन आता है किसका, गामा का, गामा क्या है बेटा, एटॉमिसिटी, अब जरा जितना पढ़ा है उसको जरा एक बार रिकैप कर ले जल्दी से, रिवाइज कर, फिर अगले कंटेंट पे चलते हैं, थोड़ा शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए बिल्कुल भी, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ऐसा कुछ सीक्वेंस है, स्ट्रेट लाइन ही है,
ये वाला पॉइंट ए, दिस वन पॉइंट इज बी, दिस वन पॉइंट इज आप दिख रहा है एक्सिस ही छोटा हो गया। हट जाता हूं फिर देख लेना यार, रुको ना बेटे लो। प्रेशर यहां एटीएम में दे रखा है और वॉल्यूम यहां लीटर में। शोर मत करिए प्लीज। क्वेश्चन है फाइंड आउट, इतना ग्राफ बनाओ पहले, ये वैल्यूज दे रखे हैं यहां पे। फाइंड आउट नहीं, इसमें एक चीज लिख लो कि मोनो एटॉमिक गैस ग्राफ बना लिया। फाइंड आउट कट कर दो, लिख दिया था तो कट कर दो और ये डायग्राम बना के लिखो। मोनो एटॉमिक गैस फॉलोज द प्रोसेस ए बी सी ए, ब्रैकेट में लिखना साइक्लिक प्रोसेस। ए टू ए है तो साइक्लिक ही है। फॉलोज द प्रोसेस ए बी सी ए, क्या बोल रहा है? अबे नहीं दिख रहा तुझे, एरो नहीं दिख रहा, ए सी बी ए बोल रहा है। ए से बी पे जा रही है ना बॉडी, ये जो साइकिल है सर्कल कैसे जा रहा है? ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए, क्लॉकवाइज दिख रहा है तुमको? सब महान आत्मा हो तुम लोग, ये तुमको क्लॉकवाइज दिख रहा है? क्लॉकवाइज है हाँ, ठीक है। तो अमोनो एटॉमिक गैस फॉलोज द प्रोसेस ए बी सी ए, फुल स्टॉप के बाद लिखिए। फाइंड आउट ए पार्ट, टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर एट बी एंड टेम्परेचर एट सी, ये तीनों निकालने हैं। ए बी सी तीनों पॉइंट पे टेम्परेचर फाइंड करना है। बी पॉइंट, वर्क डन ड्यूरिंग ए बी सी ए एंड वर्क डन ड्यूरिंग ए बी सी ए, पूरे प्रोसेस में। हाँ जी, थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द सिस्टम। मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाई द सिस्टम, डी पार्ट, डेल्टा यू ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी डेल्टा यू ड्यूरिंग प्रोसेस बी सी एंड डेल्टा यू ड्यूरिंग प्रोसेस सी ए। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी का पार्ट मर्ज करो इसमें। ई पार्ट, डेल्टा एच ड्यूरिंग ए बी डेल्टा एच ड्यूरिंग बी सी एंड डेल्टा एच ड्यूरिंग सी ए। पांच क्वेश्चन है, ये सॉल्व करना है। अब देखो करना है, नहीं करना आप नहीं है और अभी करना है। देखो जरा, सुनो बेटा, कभी भी कुछ इस तरीके का ग्राफ तुमको दिखे, थोड़ा फोकस रहो, रुको, कभी भी कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखे, जैसे पीवी कर्व है, हो सकता है ये बीटी कर्व होता, हो सकता है पी टी कर्व होता, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी तो दे देगा आपको। अच्छा, बात किसकी कर रही है? बात कर रहा है गैस की। तो जब गैस की बात कर रहा है तो गैस इक्वेशन तो हम यूज कर सकते हैं ना बेटा। बेटा समझिए,
आप गैस इक्वेशन यूज कर सकते हो पीवी इज इक्वल टू। तो देखो कभी भी कोई भी ग्राफ दे दे, दो फिजिकल क्वांटिटी तो देगा पीवीटी में। जैसे मान लो कि मैं यहां प्रेशर वॉल्यूम का कर्व ले रहा हूं, तो पीवी मुझे गिवन है, सीधे सीधे निकाल लोगे बेटा, समझोगे। यहां मुझे प्रेशर और वॉल्यूम गिवन है, यहां मुझे प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। दिया हुआ है कि नहीं चेक करो, दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है? वन मोल दिया हुआ है, वन मोल ऑफ अ मोनोटॉमिक गैस, ऐसा ही था ना? ठीक है, आर की वैल्यू पता है आपको, तो क्या तुम टी नहीं निकाल लोगे? चेक करो, सुनो मेरी बात। इफ आई एम टेकिंग ए, ए पॉइंट पे प्रेशर मेरे को पता है, वॉल्यूम मेरे को पता है, नंबर ऑफ मोल्स मेरे को पता है, तो टेम्परेचर एट ए नहीं निकल जाएगा? वैसे ही करके तुम टेम्परेचर एट ए, टेम्परेचर एट बी, टेम्परेचर एट सी निकाल लोगे, कोई भी दे दे। जैसे मान लो कि ये पीटी ग्राफ होता तो पूछता कि वॉल्यूम एट ए, वॉल्यूम एट बी, वॉल्यूम एट सी। अगर पीटी ग्राफ होता तो पी और टी मुझे पता होता। कैसा भी ग्राफ दे, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आप मर्ज कर सकते हैं। पीटी ग्राफ होगा तो पी गिवेन है, टी गिवेन है, तो वी नहीं निकल जाएगा, एन और आर मुझे पता है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहां इस वाले वैल्यू में तो टेम्परेचर निकालो हर एक पॉइंट का, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अच्छा आप देखो, सुनो मेरी बात, रुको थोड़ी देर, फिर आप देखना कि ये कौन सा प्रोसेस है। इफ आई एम टेकिंग वर्क डन इन ए बी, मतलब बी पार्ट के लिए आ रहा हूं, ये सॉल्व अभी करना है आपको, मैं हिंट दे रहा हूं सबके। वर्क डन ड्यूरिंग ए बी, ए बी कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक। तो आइसोबैरिक है तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, कॉन्स्टेंट प्रेशर हो गया ना बेटा, तो कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू डेल्टा बी हो गया वर्क डन इन ए बी। अरे समझा नहीं, जब माइनस पी डेल्टा भी वैल्यूज पुट कर ले, पी के जगह हो गया वन और डेल्टा भी हो गया 20 माइनस 10, जो भी है वैल्यू सॉल्व करो। वर्क डन इन बीसी कितना? जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया, और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? जीरो। वर्क डन इन सीए, वर्क डन ड्यूरिंग सीए, तो सीए के लिए क्या लेना है? अब देखो ये कौन सा प्रोसेस होगा। अब तुम ये निकाल के पहले देख लो कि सी पॉइंट पे और ए पॉइंट पे, सी पॉइंट और ए पॉइंट की मैं बात करूं तो टेम्परेचर क्या सिमिलर है? अगर सी और ए का टेम्परेचर सिमिलर है, अगर है तो, अगर सी और ए का टेम्परेचर सिमिलर है तो ये आइसोथर्मल होता, और अगर टेम्परेचर सिमिलर नहीं है तो एडियाबेटिक हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम तो बदल ही रहा है सी से ए पे, टेम्परेचर भी बदल रहा है, तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एडियाबेटिक। तो एडियाबेटिक का वर्क डन वो अभी नहीं बताया है, बताऊंगा, यहां से कॉन्सेप्ट निकल रहा है एडियाबेटिक का। आइसोथर्मल होता तो आइसोथर्मल का कौन सा वर्क लगाते, लेकिन अब देखना है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है क्या, अगर सेम होगा तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगाएंगे, सेम नहीं है तो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? क्योंकि एडियाबेटिक ही वो प्रोसेस है जो बोला है मैंने आपको कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सब बदलेगा, बस हीट एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो। समझ रहे हैं बात को? थोड़ा फोकस रहिए बेटा। तो सी और ए, वर्क डन इन सी ए हो सकता है आपसे नहीं निकले, ये मैं बताऊंगा, एंड वर्क डन इन ए बी सी ए मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, क्या करेंगे आप, कैसे जीरो? एरिया निकालेंगे ना ए बी सी का, हो जाएगा। फिर जब ए बी सी तीनों का तुमने टेम्परेचर अलग अलग निकाल लिया है तो सी पार्ट तो हो ही गया ना, मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड बाय द गैस या बाय द सिस्टम हो गया। वैसे ही डेल्टा यू, हाउ कैन यू, डेल्टा यू एनर्जी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, थोड़ा सोचो कौन सा फॉर्मूला भरू यहां, कौन सा फॉर्मूला यूटिलाइज करूं। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्यू प्लस डब्ल्यू, ना मुझे क्यू का पता है ना डब्ल्यू का पता है, डब्ल्यू तो चल निकाल लिया, क्यू का पता नहीं, लेकिन डेल्टा यू क्या क्यू भी है क्या? मैं लिख सकता हूं एन सी वी डेल्टा टी, बेटा ध्यान दे, एन सी वी, एन हो गया नंबर ऑफ मोल्स, वन है, मोनोएटॉमिक गैस है तो सी वी निकल गया तेरा, पता है सी वी 3R/2 मोनोएटॉमिक है ना, और डेल्टा टी, तो बेटा ए बी पे डेल्टा टी नहीं निकलेगा क्या? यहां का टेम्परेचर निकल गया तो डेल्टा टी नहीं निकल गया, हो गया काम, जब ये हो गया तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, क्या बोल रहा हूं समझ रहा है? डेल्टा एच का फॉर्मूला बता, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इसी क्यू को हमने डेल्टा एच बोला था क्या कभी?
तो डेल्टा एच को मैं क्या बोल सकता हूं, डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू तो तुमने निकाला ही है अलग अलग स्टेप का, वर्क भी तूने अलग अलग निकाला है स्टेप का, उठा उठा के रख वैल्यू, डेल्टा एच भी अलग अलग स्टेप का आ जाएगा। बातें समझ में आई नहीं आई, फटाफट करो, अभी करो जल्दी। मतलब तुम्हें ये सोचना चाहिए बेटा कि विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज, हमको कौन सा फॉर्मूला यहां यूज करना है। भाई मैं डेल्टा यू की ही बात करूं तो मेरे पास क्यू प्लस डब्ल्यू है, मैं डेल्टा यू की बात करूं तो मेरे पास एन सी बी डेल्टा टी है, तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। जल्दी कैल्विन में सर, आर की वैल्यू कौन सा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है ये। अब आर की वैल्यू जो तुम लोगे प्रेशर एटीएम है, वॉल्यूम लीटर में है, तो यहां दो मत लो, कैसे ले सो यार लोगे यहां दो, नहीं समझे आप। यहां आर की वैल्यू तो मैं दो ले ही नहीं सकता भाई, क्योंकि यहां प्रेशर एटीएम है और वॉल्यूम लीटर में है, तो 0.0821 और आर की वैल्यू होती है एटीएम लीटर, 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन, तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में। दो ले लिए तो गलत कर लिए ना, दो लेंगे तो गलत कर लेंगे अगर आर की वैल्यू दो लेंगे यहां पर। तो अब आप ये मत बोलिए कि सर आप तो हमेशा बोलते हो आर की वैल्यू दो ले लो, तो बेटा यहां प्रेशर और वॉल्यूम तुमको दे रखा है ना, जहां मुझे एनर्जी निकालनी होगी वहां पर मैं आर की वैल्यू दो ले लूंगा आराम से, यहां मेरा प्रेशर और वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर एटीएम में और वॉल्यूम लीटर में, तो जब प्रेशर एटीएम में हो वॉल्यूम लीटर में हो तो मैं आर की वैल्यू क्या लूंगा, एटीएम लीटर वाला 0.0821। नहीं नहीं नहीं, पूरी साइक्लिक प्रोसेस में पूरे साइकिल का हम एरिया निकालते हैं, वर्क डन इन सीए में जब आइसोथर्मल होगा तो तब निकालेंगे, ऐसे नहीं निकाल सकते।